हेलो दोस्तों, आज है 10 मार्च 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं और बहनों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। सरकार की कई नई स्कीमों के बारे में भी अपडेट जानकारियां देखेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, आज 10 मार्च का दिन है और आज फाल्गुन अमावस्या। आज के दिन पितरों की संतुष्टि के लिए तीर्थ स्नान और पीपल में जल चढ़ाने का विधान बताया गया। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया। तीर्थों में आप न जा पाए तो कोई बात नहीं, घर पर ही आप पवित्र नदियों के जल की कुछ बूंदे नहाने के पानी में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। आज के दिन पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ ही आज तुलसी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। खबरों में पहली बड़ी खबर, देश भर में आज 4 घंटे ट्रेन रोकेंगे किसान, हरियाणा पुलिस की चेतावनी, शामिल हुए तो कार्रवाई होगी। पंधेर ने कहा कि स्टेशन व फाटक के पास ट्रैक पर बैठेंगे। किसान आंदोलन का 9 मार्च को 26वां दिन रहा। हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान संभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने आज यानी 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक पूरे देश में ट्रेन रोकने का ऐलान किया हुआ है, जिसमें महिला किसान भी हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन से रेल सेवाएं आज प्रभावित रहने के आसार है। सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। काशी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। शंख और ढोल नगाड़ों के बीच गूंजा मोदी मोदी और हर हर महादेव। शनिवार की देर शाम एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोग 2 घंटे पहले से ही नजरें जमाए खड़े थे। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही। त्रिशूल उठाकर पीएम मोदी बोले, हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की आधे घंटे तक पूजा की। वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने 30 मिनट तक रोड शो भी किया। पीएम मोदी आज 10 मार्च को आजमगढ़ जाएंगे, जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति जी ने मंजूर भी कर लिया। यानी यह इस्तीफा ऐसे समय में आया जब देश में अब जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 9 मार्च को पूर्वोत्तर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने 55,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें महत्वपूर्ण सेला सुरंग भी शामिल है। अरुणाचल का हर व्यक्ति मोदी का परिवार, विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब। असम में चाय के बागान में पहुंचे पीएम मोदी, देश के लोगों से खास अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पर्यटकों से राज्य के दौरे के दौरान इन चाय बागानों का दौरा करने का भी आग्रह करता हूं। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का इनॉग्रेशन कर दिया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है और हर मौसम में चीन सीमा तक पहुंचाएगी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए। इमरान के कैंडिडेट को 230 वोट से हरा दिया। गरीबों की जमीन कब्जाने वाले सजा के लिए तैयार रहे, सरकार जल्द ही कमेटी का गठन करेगी। पटना में अमित शाह ने यह बड़ा ऐलान किया। गरीबों की जमीन कब्जाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। 71वें मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले 9 मार्च को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। पूरे 28 साल बाद भारत को इस शानदार इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला। इस बार मिस वर्ल्ड का खिताब मिस चेक रिपब्लिक ने अपने नाम किया। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने कहा कि अभी हालात ठीक नहीं है। पश्चिम एशिया में लाल सागर में जारी तनाव का हवाला भी दिया। कहा कि इंश्योरेंस और माल ढुलाई की कीमतें बढ़ गई है, जिसकी वजह से एनर्जी मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने शनिवार को कहा, कीमतों में कटौती पर फैसला जियो पोलिटिकल सिनेरियो और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहूंगा कि बाहरी दुनिया की स्थिति स्थिर होने दें, तेल की कीमतें स्थिर होने दें, फिर इस पर फैसला लिया जाएगा। युवाओं के लिए बड़ी गुड न्यूज है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 10 लाख लोगों को जॉब देने जा रही है। आपको मालूम होगा पीएम मोदी कई बार मंच पर कहते हैं कि ये नया भारत है, तो कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये नया भारत किस पैमाने पर है। दरअसल बात कुछ ऐसे है कि देश में रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं, भारत सरकार उसके लिए कई प्रयास कर रही है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारे देश में किस स्पीड से ग्रो कर रही है और वे कितने रोजगार पैदा करने की क्षमता रखती है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार ने भी हाल ही में टाटा समूह सहित इस सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के लिए $15 अरब के निवेश को मंजूरी दी है। 2024 में 40,000 से 50,000 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में 8 से 10 लाख नौकरियों के मिलने की उम्मीद है। 15 से 20 लाख का इसमें पैकेज मिलेगा। देश में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने पर शुरुआत में इसे संभालने वाले लोग विदेशों से आएंगे और इसके बाद फिर कंपनियां स्थानीय लोगों को स्किल सिखाना शुरू करेगी और उन्हें नौकरियों पर रखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड में निवेशकों का प्यार बढ़ा हुआ है। फरवरी में SIP 19,000 करोड़ के पार देखा गया। लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी BSP, मायावती ने यह बड़ा ऐलान किया। बहुजन समाज पार्टी BSP की सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनका कहना है कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लंदन से वाशिंगटन तक गिरेगा चाइना, लाखों तिब्बती आज सड़क पर उतरकर हल्ला बोल करेंगे। दुनिया भर के कई देशों के तिब्बती 10 मार्च को चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन समेत दुनिया के कई शहरों में इसकी तैयारियां की जा रही है। भारत में मौजूद तिब्बती भी चीन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आखिर
आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है और चीन से इसका क्या कनेक्शन है? दलाई लामा, आपने नाम सुना होगा। दरअसल तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस हर साल किया जाने वाला एक विरोध प्रदर्शन है जो तिब्बत में चीन की उपस्थिति के खिलाफ एक विद्रोह की याद दिलाता है। जलवायु परिवर्तन से मच्छरों के अनुकूल हुआ मौसम, इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ी तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है। गर्मियों में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप देश के कई शहरों में देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के प्रभाव के चलते मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अभी हाल ही में लासेंट में प्रकाशित एक शोध पत्र में भी इस तरह की जानकारियां सामने आई है। 2000 करोड़ की ड्रग स्मगलिंग करने वाला एक प्रोड्यूसर गिरफ्तार किया गया। बीसीसीआई ने टेस्ट प्लेयर्स की मैच फीस बढ़ाई है। एक सीजन में 75% मैच खेलने वाले खिलाड़ी को एक मैच के 45 लाख रुपए मिलेंगे। जापान में सेम सरनेम कानून खत्म करने की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह हमारे करियर और जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है। जापान में शादी के बाद एक ही सरनेम रखने का कानून है और इस कानून के खिलाफ 6 जोड़ों ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया हुआ है। बड़ी खबर होली स्पेशल ट्रेन से जुड़ी हुई है। 20 मार्च से गया जंक्शन से भी ट्रेनों का परिचालन होगा। दिल्ली से गया के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। होली स्पेशल ट्रेन 20 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। गाजा में भूखमरी की यह तस्वीर आप लोग भी जरूर देखिएगा। 10 साल के बच्चे ने पूरी दुनिया को रुला दिया। इजराइल और हमास में जारी युद्ध ने गाजा के आम नागरिकों की जिंदगी को किस तरह से नरक बना दिया है। पूरा गाजा भोजन के एक एक दाने के लिए तरस रहा है। इजरायली नाकेबंदी और युद्ध के खतरों के कारण हालात आप देख सकते हैं। शरीर में सिर्फ हड्डियां, धसे हुए गाल, चेहरे पर पड़ी झुर्रियां, इस 10 साल के मासूम बच्चे की पहचान आप देख सकते हैं। इस लड़के को गाजा में भूखमरी का पोस्टर बॉय बताया जा रहा है। हालांकि ये बच्चा सोमवार को अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए एक अंतहीन सफर पर जा चुका है। हजारों फिलिस्तीनी भूखमरी के करीब है। इस बच्चे ने भूखमरी की भयावहता को दुनिया के सामने रखा है। ये खुद इस दुनिया में अभी नहीं है लेकिन ये बहुत कुछ भया कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बैंक कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17% की वृद्धि होगी। भारतीय बैंक संघ आईबीआई और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार को 17% की वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति बनी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी खबर आ रही है, 4 यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत तैयार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत ने G4 मॉडल दिया, हर तरफ तारीफ देखने को मिल रही है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहा है। भारत की स्थायी सीट दिए जाने की भी मांग है। भारत ने एक सुधार का फॉर्मूला पेश किया जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। एनवीडिया बन सकती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, एप्पल भी पीछे छूट सकती है। एनवीडिया के स्टॉक ने पिछले दिनों बड़ी उछाल दर्ज की है। एलियन के पास महाशक्ति धरती की कर चुके यात्रा, अमेरिका ने एक UFO रिपोर्ट जारी की है। अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी UFO पर रिपोर्ट जारी हुई है। दरअसल इस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि एलियन के पास ऐसी अलौकिक तकनीक यानी महाशक्ति हो सकती है जो शायद धरती पर मौजूद इंसानों के पास नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिकी सरकार की जांच में अलौकिक तकनीक का कोई सबूत नहीं मिला। इसमें कहा गया कि अधिकांश देखी गई सामान्य वस्तुओं और घटनाओं की गलत पहचान की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आसमान में दिखने वाली कुछ घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया और उनमें अलौकिक तकनीक का कोई हाथ नहीं है। सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन रिव्यू करने के आदेश दिए गए। वित्त मंत्रालय ने इस हफ्ते सरकारी बैंकों को उनकी गोल्ड लोन बुक्स की समीक्षा करने को कहा है। उड़ीसा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फिलहाल फेल हो गई है। बीजेपी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। गहलोत और पायलट के कई करीबी नेता पार्टी छोड़ेंगे और ये संख्या बहुत बड़ी बताई जा रही है। राजस्थान में बारिश, तेज हवा चलने को लेकर अलर्ट आ रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने 12 और 13 मार्च को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के 7 जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान में आज रविवार सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक राजस्थान भर के पेट्रोल पंप बंद रहने से जुड़ी खबर है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, सरकार लंबे वक्त से वेट में कटौती नहीं कर रही है, साथ ही डीलर के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और ऐसे में प्रदेश भर के पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने 10 मार्च रविवार सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी 3 बड़े नेताओं को भी साथ ले गए। पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला को साथ ले गए। इसके अलावा सपा के पूर्व विधायक अर्जुन पलिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी और अभिनेत्री क्रांति रेडकर वानखेड़े को कथित तौर पर पाकिस्तानी नमरू से जान से मारने की धमकी मिली है। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर होगी छुट्टी। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया, इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। किसानों की खाद समस्या का समाधान देगा राजस्थान, 50 साल से धरती के नीचे हो रही थी सर्च, खेती का खर्च काफी कम होगा, राजस्थान की मिट्टी पोटास उगलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार नागौर और श्रीगंगानगर बेसिन में पोटास के प्रचुर भंडार के 9 स्थान मिले हैं और यहाँ पर इतनी मात्रा बताई जा रही है कि पूरे देश की खाद की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। आचार संहिता से पहले राजस्थान के 7 शहरों को बड़ी सौगात मिलेगी, कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास होगा। वहीं चुनाव से पहले राजस्थान के 12 लाख कर्मचारियों का 4% DA बढ़ जाएगा।
राजस्थान सरकार पर करीब 1650 करोड़ रुपए का भार आएगा। 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाने जा रही है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर सकता है। वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीट यूजी में रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 25 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले साल की तुलना में 4,20,000 कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई। शेयर बाजार में निवेश होती थी ब्लैक मनी। अलग अलग कंपनियों के पास कुल 1190 करोड़ का पोर्टफोलियो है, बाजार तक प्रभावित हो जाता था। छत्तीसगढ़ में आज मेहतारी वंदन की पहली किस्त जारी होगी। 70 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। महिलाओं के बैंक खातों में आज पैसे आएंगे। हर महिला को प्रति महीने 1,000 रुपए बैंक खाते में मिलेंगे। राजस्थान में बालिकाओं के लिए बड़ी घोषणा हुई है। प्रदेश में चल रही सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष की अवधि की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई है। इस योजना में पहले 10,000 की वित्तीय स्वीकृति थी, जिसे अब डिप्टी सीएम ने बढ़ाकर 30,000 करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल में खेलते समय दूसरी क्लास के बच्चे को आया हार्ट अटैक, जान चली गई। फिरोजाबाद के एक स्कूल की घटना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योगी सरकार ने होली का गिफ्ट दिया। निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 1,75,00,000 लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में होली पर्व पर प्रदेश की महिलाओं को दूसरा रिफिल सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने चुनाव कमेटी का गठन किया। राजनयिक मामलों पर निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश में NH-727B के निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। नवलपुर से सिकंदरपुर तक 44 किलोमीटर बनने वाली सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है। महंगाई भत्ता बढ़ाएगी योगी सरकार, पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। जल्द ही आदेश जारी होंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 11 मार्च को प्लेसमेंट कैंप लगेगा। रोजगार कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक भर्तियों के लिए इंटरव्यू होंगे। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए भी गुड न्यूज आई है। लखनऊ, नोएडा समेत कई शहरों में कंडक्टर की भर्ती शुरू हो गई है। 1649 बस कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती सेवा योजन पोर्टल के जरिए होगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को हर महीने 1,045 यूनिट फ्री बिजली। किसानों को नलकूप के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, इसके लिए आदेश जारी हो गए। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना के तहत बुंदेलखंड के किसानों को 1,300 यूनिट प्रतिमाह और राज्य के अन्य हिस्सों के किसानों को 1,045 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ऐसे किसान भाई जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक अपने पूरे बिजली बिल का भुगतान क्लियर कर दिया है, उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिन किसान भाइयों का लंबे समय से बिल बकाया है, इसके लिए सरकार ब्याज माफी योजना भी चला रही है। इसका फायदा लेने के लिए 30 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन करना है। माहेश्वरी समाज अयोध्या में 100 करोड़ की धर्मशाला बनवाएगा। 300 कमरे का विशाल भवन के साथ मंदिर, गौशाला और भोजन के साथ योग की भी व्यवस्थाएं होगी। यूपी में 3,000 स्मार्ट आंगनबाड़ी सेंटर बनेंगे। गोरखपुर में रोडवेज की बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। पैसेंजर को पल पल की जानकारी मिलेगी। निगरानी के लिए रीजनल कंट्रोल रूम भी बनेगा। इसके अलावा गोरखपुर में ऐतिहासिक स्थलों के पास बहुमंजिला इमारतें नहीं बन पाएगी। महायोजना 2031 में 4 मंजिल से ऊंचे भवन पर रोक लगी है। गोरखपुर में समय से पहले जन्मे बच्चों की जान बच पाएगी। महिला अस्पताल में सीपैप मशीनें लगेंगी। हरियाणा में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। 10 मार्च की रात मौसम बदलाव, 13 को कई जगहों पर बूंदाबांदी। पंजाब कैबिनेट में नई एक्साइज पॉलिसी मंजूर हो गई है। 10,000 करोड़ इनकम होगी। 2 स्पेशल कोर्ट बनेंगे। सेहत विभाग में नई भर्तियां भी होगी। पंजाब में पैरामिलिट्री की 25 कंपनियां तैनात हुई हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने की तैयारियां। पंजाब में डिफॉल्टर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटियों को राहत मिली है। जून तक निर्माण, 30 सितंबर तक उत्पादन जरूरी, वरना प्लॉट कैंसिल हो सकते हैं। पंजाब में एसओई और मेरिटोरियस स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30 मार्च को ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। हिमाचल प्रदेश में भी 4 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आंधी तूफान का येलो अलर्ट, एवलांच गिरने की भी चेतावनी है। पर्यटकों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी दी गई है। WD एक्टिव होने से 11 से 14 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरक सिंह की करीबी लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस छोड़ दिए। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्कू ने कहा, आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 4,40,000 की दूसरी किस्त जल्दी दी जाएगी। जम्मू में शनिवार रात 10 बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक जम्मू श्रीनगर हाईवे 14 घंटे के लिए बंद है। चिनाब वैली से यातायात बहाल रहेगा। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। मुखिया, सरपंच से लेकर अफसर और कर्मचारी तक सबको ट्रेनिंग देगी नीतीश सरकार, नया भवन बनेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर, टेक्नीशियन के 9,144 पदों पर भर्ती निकली है। ये बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने ये भर्तियां निकाली है। गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, स्कूली छात्र छात्राओं को 50,000 रुपए की सहायता। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की है और इसके तहत स्कूल में पढ़ने वालों को वित्तीय सहायता मिलेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शनिवार को 2 योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं के लिए सरकार ने राज्य के बजट में 1,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नमो लक्ष्मी योजना के तहत
तहत सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को 4 सालों में 50,000 रुपए देगी, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग चुनने वाली लड़कियों को और लड़कों को नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यूट्यूब जैसा लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट लाने की तैयारी में एलन मस्क, गूगल को कड़ी टक्कर मिल सकती है। महिला डिलीवरी पार्टनर्स को जोमेटो का सरप्राइज तोहफा, यूनिफॉर्म में नया ऑप्शन दिया गया, टी शर्ट के अलावा भी ऑप्शन मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा अपडेट है, अधूरी डिग्री पूरी कर पाएंगे विद्यार्थी, फीस में 75% की छूट भी मिलेगी, जो उम्मीदवार दिव्यांग है उन्हें ये छूट दी जाएगी। कोविड महामारी की वजह से साल 2021-22 और 22-23 में अपनी डिग्री पूरी न कर सके स्टूडेंट्स को ये राहत मिलेगी। शनिवार को दिल्ली विधानसभा में बजट की चर्चा के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा अपडेट दिया। दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे, इसको लेकर अपडेट आया है। सीएम ने कहा कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। महिला सरकारी नौकरी कर रही हो, उसे पेंशन मिल रहा हो, वो इनकम टैक्स भर रही हो, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार में अगर 3 महिला हो तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया। वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ा अपडेट आ रहा है, लोग अब इस तरह की सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से भी यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने का काम जारी है और इसी कड़ी में अब उड़ीसा के पुरी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक ये ट्रेन फर्राटे भरती नजर आएगी। पीएम मोदी 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सोने चांदी के रेट अपडेट हम सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और आप और हम ऐसे हर रोज जुड़े रहें, ताजा खबरें देखते रहें। अन्ना दोस्तों, तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा। नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।